तो आज की हमारी फर्स्ट शेप है वृत्त। वृत्त गोल होती है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त। नेक्स्ट शेप है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त। नेक्स्ट शेप है आयत। आयत के चार एंगल होते हैं 90-90 डिग्री के और इसकी चार साइडें होती हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत। नेक्स्ट शेप है अंडाकार। ये शेप अंडे की तरह होती है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवल। ओवल मतलब अंडाकार। नेक्स्ट शेप है शंकु और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोन। कोन मतलब शंकु। नेक्स्ट शेप है बेलनाकार। ये शेप बेलन जैसी होती है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर मतलब बेलनाकार। नेक्स्ट शेप है त्रिभुज या त्रिकोण। इसकी तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज या त्रिकोण। नेक्स्ट शेप है पंचभुज। इसकी पांच भुजाएं होती हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन मतलब पंचभुज। नेक्स्ट शेप है षटभुज। षटभुज की छह साइडें होती हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागन। हेक्सागन मतलब षटभुज। नेक्स्ट शेप है सप्तभुज। सप्तभुज की सात साइडें होती हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हेप्टागन। हेप्टागन मतलब सप्तभुज। नेक्स्ट शेप है अष्टभुज। अष्टभुज की आठ भुजाएं होती हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ओक्टागन। ओक्टागन मतलब अष्टभुज। और नौ भुजाओं वाले को हम इंग्लिश में बोलते हैं नोनागन। नोनागन मतलब नौ भुजाओं वाला। और दस भुजाओं वाले को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेकागन। डेकागन मतलब दस भुजाओं वाला। नेक्स्ट शेप है द्वादश भुज, यानी कि जिसकी 12 साइडें हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डूडेकागन। डूडेकागन मतलब द्वादश भुज। नेक्स्ट शेप है चतुर्भुज। चतुर्भुज चार भुजाओं वाली एक सीधी शेप और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। नेक्स्ट शेप है पूर्ण विषम चतुर्भुज। पूर्ण विषम चतुर्भुज जिसकी चार सीधी रेखाएं हैं लेकिन वे सिमिलर नहीं होती और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपिजोइड। ट्रेपिजोइड मतलब पूर्ण विषम चतुर्भुज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट शेप है वर्गाकार। वर्गाकार जिसकी चार साइड इक्वल होती हैं और चार एंगल भी इक्वल होते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वेयर। स्क्वेयर मतलब वर्गाकार। नेक्स्ट शेप है घन। घन को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्यूब मतलब घन। नेक्स्ट शेप है घनाव। घनाव को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब घनाव। नेक्स्ट शेप है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड। डायमंड मतलब समचतुर्भुज। नेक्स्ट शेप है गोला। गोला जो कि गोल आकार का होता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। स्फेयर मतलब गोला। नेक्स्ट शेप है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट शेप है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइडें अनइक्वल हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल।
स्केलिन ट्रायंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज। नेक्स्ट शेप है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट शेप है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसकी साइडें तो इक्वल होती हैं लेकिन एंगल इक्वल नहीं होता, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। नेक्स्ट शेप है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसकी साइडें एक दूसरे से इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट शेप है आधा गोला। आधा गोला को हम इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब आधा गोला। नेक्स्ट शेप है पिरामिड। पिरामिड को हम इंग्लिश में पिरामिड ही बोलते हैं। नेक्स्ट शेप है प्रिज्म। प्रिज्म को हम इंग्लिश में प्रिज्म ही बोलते हैं। नेक्स्ट शेप है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र जो कि अधूरे चंद्रमा जैसा होता है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रीसेंट। क्रीसेंट मतलब अर्धचंद्र। नेक्स्ट शेप है तारे जैसी आकृति। तारे जैसी आकृति को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टार। स्टार मतलब तारे जैसी आकृति। और इस वाली शेप को हम बोलते हैं हर्ट शेप। हर्ट शेप। नेक्स्ट शेप है अष्टफलक। अष्टफलक को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओक्टीहीड्रन। ओक्टीहीड्रन मतलब अष्टफलक। और इस वाली शेप को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहीड्रन। टेट्राहीड्रन।